यादव व्लॉग मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है बहुत ही वंडरफुल डे, सो इट इज 22nd of October 2021। सुबह के बज चुके हैं 6:30। मैं हूँ सात्विक भाई के साथ यहाँ अभी जोधपुर में, तो और हम दोनों आज निकले एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए। सो लास्ट 3 डेज इन जोधपुर मैं यहाँ पे बस 25th तक रहने वाला हूँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे आऊँ और आज सुबह की क्लासेस नहीं है, नहीं तो एवरी मॉर्निंग आई डू हैव क्लासेस, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए बाहर जाके एक अमेजिंग कंटेंट बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं। मस्त प्लानिंग। जब मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि आई वाज बोर्न इन जोधपुर, तो जोधपुर के किन किन गलियों में मैं रहा हूं, किन किन गलियों में मेरा बचपन निकला है, सो एक अमेजिंग व्लॉग बनाने के लिए आप लोगों के लिए निकले हैं। जोधपुर हैज बीन वेरी स्पेशल, आई वाज बोर्न इन जोधपुर, सो राइट फ्रॉम द हॉस्पिटल वेयर आई वाज बोर्न, जहां से इंसेप्शन हुआ। And then we have changed lot of rented homes in Jodhpur. अलग अलग एरियाज में रहते थे। मेरी नानी नाना नानी का घर जो था वो पहले ओल्ड टाउन में था, अब ये आउटस्कर्ट्स में रहने लग गए हैं। तो ओल्ड टाउन जो टिपिकल जोधपुर होता है ना, वहां पे हम लोग रहते थे, तो वो घर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। हम लोग जहाँ जहाँ रहते थे प्रोबेबली ट्राइंग टू कवर इवन द स्कूल्स, बट टाइम हमारे पास है बहुत लिमिटेड, इसीलिए क्योंकि आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट भी जाना है। गेस्ट मतलब कौन आ रहा है? अंकिता अग्रवाल। सो माय सिस्टर इज कमिंग हियर टुडे इन जोधपुर, और फिर उसको लेने एयरपोर्ट भी जाना है, तो हमने सोचा कि जो हमारे पास ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है इसमें हम जितना कुछ कवर कर सकते हैं कर लेते हैं। तो उठ तो मैं जल्दी गया था, सात्विक भाई भी जल्दी उठ गए थे, लेट नाइट काम कर रहे थे बट फिर भी जल्दी उठ गए थे। सो देखते हैं किस तरीके से होता है ये सूर्य नगरी का व्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। Star, how I wonder what you are. So यार ये वो स्कूल है जहाँ से मैंने मेरी स्कूलिंग चालू की है। We are on सरदारपुरा सी रोड जोधपुर राइट नाउ, और ये अब इट्स नो मोर स्कूल, ये जो प्रेमाइसेस है ये हमारी स्कूल हुआ करती थी, इसका नाम होता था टाइनी टॉट्स। यहाँ से मैंने हमारी स्कूलिंग मेरी स्कूलिंग स्टार्ट की, मैंने नहीं सात्विक ने भी यहाँ से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की है, और हमारे घर के सारे बच्चों ने यहीं से स्कूलिंग स्टार्ट की है, मेरी सिस्टर टीना ने भी यहीं से स्टार्ट की है। बहुत अमेजिंग स्कूल थी, बहुत ज्यादा मेमोरीज नहीं है मेरे पास स्कूल की, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सब में इन सब का योगदान बहुत ज्यादा है, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यार इट्स फील सो गुड टू स्टैंड आउटसाइड दिस बिल्डिंग, इवन दो इट इज नो मोर अ स्कूल, बट इसके सामने खड़ा होने में इतना अच्छा फील हो रहा है कि कभी किसी दिन हम भी यहाँ पढ़ा करते थे। टाइनी टॉट्स लव यू सो मच। मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी एक्चुअल वाली स्कूल में, मतलब जहाँ पे मेरी सबसे ज्यादा स्कूलिंग हुई है, और वो है वीवी जॉन मेमोरियल स्कूल। सो रातनाड़ा एरिया में उसकी पहली ब्रांच लोकेटेड थी, एक पॉइंट था वो जोधपुर की सबसे बड़ी स्कूल हुआ करती थी, ऑब्वियसली अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इनफैक्ट कुछ ही सालों पहले हमारे जो फाउंडर्स थे सेबेस्टियन जॉन सर, उनका देहांत हो गया है, और वी रियली फेल्ट वेरी बैड, बट देयर वाज अ टाइम वेयर वीवी जॉन मेमोरियल स्कूल वाज द ओनली एंड द बेस्ट स्कूल इन जोधपुर। ये जो रास्ते से अभी हम लोग गुजर रहे हैं फ्रॉम सरदारपुरा टू रातनाड़ा, ये रास्ता मेरे स्कूल बस का रास्ता हुआ करता था, तो आज भी जब मैं आसपास में देख रहा हूँ तो मुझे वही सारी पुरानी यादें रिकॉल हो रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। इट्स बीन मोर देन लाइक नाउ 15 to 20 years कि मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ अपने स्कूल की तरफ। आज आई थिंक सात्विक भाई वहाँ पे कौन सी स्कूल है अभी? नोबल इंटरनेशनल स्कूल। सो दैट प्रीमाइसेस इज नाउ एग्जैक्टली एज इट इज, जब नोबल इंटरनेशनल स्कूल वहाँ आ चुकी है वीवी जॉन स्कूल की जगह, जो कि सात्विक भाई की स्कूल हुआ करती थी बचपन से। सो यार बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये है रात, ये कौन सा सर्कल कहलाता है जो अभी आने वाला है? भास्कर सर्कल, भास्कर दिवाकर चौधरी, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। सो यहाँ आप देख सकते हैं यार इट्स सच एन अमेजिंग, यार सुबह सुबह धूप बहुत तेज हो गई है, सन सिटी कहते हैं सूर्य नगरी से, तो सूर्य नगरी सही कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि सूरज देवता कितनी तेजी से यहाँ तप रहे हैं और अपना गुस्सा यहाँ जाहिर कर रहे हैं, वैसे हम लोग इसे गुस्सा कहते हैं बट जोधपुर वाले इसे कहते हैं प्यार। स्वागत कीजिए, आप जोधपुर में हैं, और बस हम बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में पहुंचने वाले हैं हमारी स्कूल, दैट इज वीवी जॉन मेमोरियल स्कूल, अर्स्टवाइल वीवी जॉन मेमोरियल स्कूल, एंड नाउ टू बी कॉल्ड एज नोबल इंटरनेशनल स्कूल।
ये आ गई है, ये रहा वो प्रमाइसेस। यस, ये रहा वो प्रमाइसेस नोबल इंटरनेशनल स्कूल का। सो यहाँ से टाइनी टॉट से सीधा निकलने के बाद मैं इस स्कूल में आया था, और इस स्कूल में आने के बाद मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की थी। उसके बाद में जो प्रेप कहते थे, सीनियर केजी जिसे कहते हैं, वो करने के लिए मैं विवी जॉन मेमोरियल स्कूल पहुंचा था। अभी ये नोबल इंटरनेशनल है, पहले विवी जॉन हुआ करता था। विवी जॉन अपने समय का सबसे बेस्ट स्कूल था। आज भी आप देखेंगे आपको पता चलेगा। आई रिमेम्बर सात्विक भाई, एक पॉइंट था जब विवी जॉन की जोधपुर में 13-14 ब्रांचेस हो गई थी, है ना? राइट राइट। सो कोई टफ कंपटीशन नहीं थी जोधपुर में, आसपास में कोई नहीं भटकता था। विवी जॉन वो यूज्ड टू बी द बेस्ट स्कूल। सेबेस्टियन जॉन सर थे, उनकी वाइफ थी रंजना जॉन मैम, और ये इस स्कूल को चलाते थे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था स्कूल का, और आज भी वो सारी मेमोरीज दिमाग में ताजा है। सो इट्स सो नाइस टू स्टैंड आउटसाइड द स्कूल। चले या तो सात्विक भाई, अभी क्या लेने जा रहे हो भाई, बताओगे? मैं लेने जा रहा हूँ उड़द मोगर की कचौरी। ये पूरे जोधपुर में नहीं मिलती एक्चुअली, बोले तो जोधपुर के आसपास के सिटीज में भी नहीं मिलती। ये एक ही शॉप है और ये मेरे फ्रेंड की शॉप है। भाई का रुतबा है यार, हर जगह दोस्त है भाई के, और यहाँ पे ये उड़द मोगर की कचौरी लेने आया भाई। तो काफी बार अपने लेक्चर्स में मैंने ये कहा है कि इट वाज अ कोइंसिडेंस कि मैं और मेरी वाइफ जो है स्वाति, वी वर क्लासमेट्स इन 9th स्टैंडर्ड फॉर हार्डली फ्यू मंथ्स। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैं एक स्कूल में पढ़ता था, स्कूल का नाम था सेंट्रल एकेडमी, विच इज एट चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इन जोधपुर। ये वो स्कूल है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवर हियर, क्योंकि हम इस एरिया में रहने के लिए आए थे, तो कुछ महीनों के लिए मैं स्कूल में था, एंड देन आई शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। और कई सालों बाद जब मेरी शादी हो गई, और फिर जाके जब स्वाति से मेरी शादी हुई और बातें हुई, तब पता चला कि शी वॉज ऑल्सो इन 9th स्टैंडर्ड इन द सेम स्कूल, और मैं भी 9th स्टैंडर्ड इसी स्कूल में था। फिर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था कि हमें पता भी नहीं था, वी वर क्लासमेट्स, एंड नाउ इट इज आई एम ओवर हियर। तो सेंट्रल एकेडमी इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल प्लेस। The time spent over here, the memories in here, in this school are absolutely unforgettable. Can't tell you, क्या सा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्कूल में आके। और आपको पता है, ये इतना ही नहीं है, हमारे घर के बहुत सारे बच्चे स्कूल में आ चुके हैं, इवन सात्विक भी यही स्कूल में पढ़ चुका है। सो देखते हैं कि सात्विक कैसा फील कर रहा है अपनी इस स्कूल में। स्कूल में पढ़ा हूँ 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, 4 साल मैंने स्कूल में बिताया, और वो मेरे अभी तक के बेस्ट 4 साल थे। और ये हमारा पूरा ग्राउंड एरिया था, वो कहते हैं ना गेम्स पीरियड, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा वेट करते हैं। ये हमारा गेम्स वो गेमिंग एरिया था, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। ये हमारा भाई, जब मैं पढ़ता था ना, तब यहाँ पे बस की पार्किंग होती थी, और इधर से अंदर जाने के बाद वहाँ पे असेंबली लगती थी। हाँ, अब असेंबली यहाँ पे लगती है, और यहाँ पे वो गेम्स रूम का हमारा पिटारा होता था, बैट बॉल, जिसके लिए हम लोग तरसते थे बचपन में ना। और ये रिसेप्शन है, यहाँ पे आज भी टैक्सीज लगती है, सारी टैक्सीज ऑटोज जो आते हैं वो अंदर तक आते हैं, गार्डन में लगा देते हैं टैक्सी, गार्डन में लगा देते हैं ये लोग। और यहाँ से असेंबली होती है, और यहाँ से बच्चे खड़े होते हैं। वहाँ पे असेंबली होती थी, और मैं जब पढ़ता था ना भाई, वो जो सामने का एरिया है वहाँ पे फीस का काउंटर होता था, अभी भी वहीं पे है फीस का काउंटर। और मेरे को बहुत बार पनिशमेंट में वहाँ खड़ा कर दिया करते थे। सर, ये बहुत ही वंडरफुल मेमोरीज है जो हम लोग यहाँ पे बचपन में पढ़ते थे, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। काउंटर है जहाँ पे हम लोग हमारी स्कूल की फीस भरा करते थे। इट वॉज अ रिचुअल, मंथली फीस का सिस्टम भी होता था, क्वार्टरली भी होता था, सेमी एनुअली भी होता था। तो मुझे अभी भी याद है, मैं मंथली फीस पे किया करता था, और यहाँ पे आके काउंटर पे फीस भरते थे। थॉट ऑफ द डे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस होता था साथ ही भाई, हम लोग जब पढ़ते थे। अभी चेंज हो गया। Thank you.
यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी दूसरी स्कूल में जिसका नाम है महेश पब्लिक स्कूल। यहाँ पे भी मैं कुछ दिनों के लिए था। सो काफी बार जब मैं पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को तो उन लोगों को यहाँ की मैंने कहानी सुनाई है कि महेश पब्लिक स्कूल जो है ये पूरी तरह 100% बॉयज स्कूल है और इसके बिल्कुल अपोजिट में जैसे जब भी मैं यहाँ खड़ा हूँ ये सोहनलाल मनियार गर्ल्स स्कूल है। तो यहाँ पे पता है ये दोनों स्कूल जो है ये कॉमन सोसाइटी की है, महेश सोसाइटी की है। और यहाँ पे होता ये था कि साल भर में एक बार ऐसा एक इवेंट होता था जब सारे सोहनलाल मनियार की जो गर्ल्स होती थी वो महेश पब्लिक स्कूल में आती थी और दोनों के जॉइंट इवेंट्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे। पूरे साल भर जो लड़के होते थे ना महेश स्कूल के वो इस कुछ एक दिनों के लिए बड़े ही एक्साइटेड होते थे कि कब वो दिन आएंगे जब हम सोहनलाल मनियार की गर्ल्स के साथ मिलेंगे। और मैं बता रहा हूँ साल भर लड़के नहा के नहीं आते थे, ढंग के कपड़े नहीं पहन के आते थे, लेकिन ये एक हफ्ते का जो इवेंट होता था इसमें भैया बिल्कुल टिप टॉप होके आते थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मैं बड़ा लकी था क्योंकि मैं इस स्कूल में उन कुछ महीनों के लिए था जब यहाँ पे ये इवेंट चल रहा था। सो नाइन्थ स्टैंडर्ड मेरा यहीं से हुआ है बेसिकली। आई स्टार्टेड फ्रॉम सेंट्रल एकेडमी, उसके बाद में मैं पहुंचा महेश पब्लिक स्कूल में। बहुत ही अमेजिंग स्कूल थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत सारी मेमोरीज यहाँ से जुड़ी है। बहुत अलग तरीके से टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ मिली है। व्यास मैम जो मुझे यहाँ पढ़ाती थी वो यहाँ पढ़ाती थी और शी वॉज रियली वन ऑफ माई लाइफ चेंजिंग टीचर। ओमी कुमारी व्यास मैम। सो दैट वॉज एब्सोल्यूटली अमेजिंग। सो 24th May 1988 आई वॉज बॉर्न इन जोधपुर। सो जोधपुर में मैं बॉर्न कहाँ हुआ था तो ये वो हॉस्पिटल है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उम्मीद हॉस्पिटल जोधपुर। यहाँ पे मैं इस धरती पे आया था, हमारा आगमन हुआ था इस धरती पे। यार क्या है, बाकी बच्चों की तरह मैं भी यहाँ पे हुआ था और कुछ पता नहीं था कि कब जिंदगी में क्या होगा, कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से। सो इट रियली फील्स वेरी स्पेशल कि आज भी जब भी मैं इसके सामने से गुजरता हूँ देखता हूँ तो ये बहुत अमेजिंग। आई थिंक ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राइट? हाँ जी। सो उम्मीद हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जोधपुर के जो किंग है गज सिंह जी, उनकी रॉयल फैमिली की ये रॉयल बिल्डिंग हुआ करती थी किसी जमाने में, बट लॉन्ग बैक इट वॉज टर्न इनटू अ हॉस्पिटल। सो भाई हम तो जब हुए थे 1988 के अंदर तब तो यार यही हालत थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहे हैं। उस समय तो बच्चे हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, घर पे ही हो जाते थे, बट फॉर्चुनेटली मैं हॉस्पिटल में हो गया था थैंक्स टू माई मॉम डैड, थैंक्स टू माई फैमिली। तो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग टू स्टैंड इन आउटसाइड अ हॉस्पिटल वेयर यू वर बॉर्न। यहाँ पे कड़ी कचौरी मिलती है, काफ़ी फेमस है, जो अजमेर की बहुत फेमस डिश होती है, बट यहाँ पे उसकी दुकान है। हम लोग बी रोड पे हैं, मरुधर ज्वेलर्स है हमारे यहाँ पे, और बस ये गली के अंदर चौधरी मिर्ची बड़ा, यहाँ पे गांधी मैदान आता है, तो चौधरी मिर्ची बड़े वाले के यहाँ जा रहे हैं और मिर्ची बड़ा खाएंगे। मुझे अभी भी याद है मैं जब यहाँ रहता था हम लोग लाते थे, मुझसे कहती थी कि बेटा अपन खाते हैं, तो मैं जब लेके आता था उस समय 4 रुपये का एक मिर्ची बड़ा मिला करता था। अभी कितने का है सात्विक? 23 रुपीज़ का मिर्ची बड़ा। इन्फ्लेशन देखो, सारे इन्फ्लेशन मिर्ची बड़े पे आए, 4 रुपये से 23 रुपये का आ गया मिर्ची बड़ा।